हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं ये जो बेंगलोर रूफ टाइल्स होता है इसे किस तरह से फिट किया जाता है। हम यहाँ पे आज आपको दिखाएंगे कि हमारे जो यहाँ पे डोम है, डोम के ऊपर इसे किस तरह से फिट किया जाता है। पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे, यहाँ पे मोटर का रेशियो क्या रखना है, उसे किस तरह से मिक्स किया जाता है, सब सब ए टू जेड सब देखने वाले हैं आज हम। यहाँ पे बेंगलोर रूफ टाइल्स फिटिंग करने के लिए मोटर बन रहा है। यहाँ पे जो रेशियो यूज किया जाता है 1:6 यूज करना है, मतलब एक माप हमारा जो यहाँ पे सीमेंट का होता है और 6 माप हमारे जो सैंड होती है सैंड के होते हैं। और यहाँ पे ये डोम है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इस डोम पे आपको आज हम दिखाएंगे कि रूफ टाइल्स किस तरह से फिट किया जाता है। यहाँ पे ये जो डोम दिखाई दे रहा है इसके एक साइड पे जो लेंथ है 7 फीट है और वेथ 5 फीट है, मतलब एक साइड पे 7 बाय 5 है और दूसरे साइड पे भी 7 बाय 5 है। सबसे पहले जो क्या करना था, इसके ऊपर ये जो बेंगलोर रूफ टाइल्स दिख रहे हैं सैंपल रख के देखना है कि किस तरह से फिटिंग आने वाली है, उसके बाद ही यहाँ पे मोटर डाल के फिट करना है। यहाँ पे मोटर अभी रेडी है बनाना। यहाँ पे एक डोम है हमारा और वहां पे एक डोम है, और ये जो दिख रहा है कि इसकी जो यहाँ पे विड्थ है 9 इंच है और लंबाई 14 इंच है, मतलब 9 बाय 14 इंच का एक है। और मार्केट में हमारे यहाँ पे तो अभी इसका रेट 20 रुपीज़ 22 रुपीज़ चल रहा है। आपकी लोकेशन के अनुसार यहाँ पे रेट जो है कम ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले दो कॉर्नर में कि दो जो रूफ टाइल्स होते हैं फिक्स करना है। वो फिक्स होने के बाद सेंटर में के जो रिमेनिंग रूफ टाइल्स है उसे फिक्स करना है। देख सकते हैं राइट साइड को, ये कॉर्नर में भी एक टाइल्स फिक्स किया वाला है और लेफ्ट साइड में भी एक फिक्स किया वाला है। सबसे पहले जो हमारा आउटर साइड होता है, आउटर साइड से मेजरमेंट निकालना है। मेजरमेंट होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइल फिट किया वाली है और हमारा जो रिमेनिंग गैप है 2 इंच का, वहाँ पे वो कोने में बाकी है। वहाँ पे एट द लास्ट हम कुछ भी खापर का या टुकड़ा लगा के टाइल्स का या मोटर डाल के फिक्स कर सकते हैं। और हमारा फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस पे फेस टू फेस इस तरह से टाइल्स आने वाली है। और वहाँ पे नीचे फिक्स करने से पहले यहाँ पे सैंपल इस तरह से टाइल्स रख के देखना पड़ता है कि गैप कितना आने वाला है और साइड पे रिमेनिंग जगह कितनी बचने वाली है। ये मेजरमेंट निकलने के बाद ही मोटर डाल के इस तरह से टाइल्स फिट की जाती है। यहाँ पे नीचे का जो फर्स्ट लेयर है पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर पे लाइन लगाना है दोरी। सब यहाँ पे रूफ टाइल्स से एक दोरी में होना चाहिए, नहीं तो ऊपर जो रूफ टाइल्स लगाते हैं आगे नीचे हो सकते हैं। ये होने के बाद ऊपर से भी एक बार दोरी लगा के चेक करना है कि पूरा एक लेवल में है या नहीं। यहाँ पे हमने दोनों ही तरीके से चेक किया वाला है। अब हमारी ये जो नीचे की लाइन है पूरी एक लाइन में है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है, नेक्स्ट स्टेप, इसके ऊपर जो है इस लॉक पे हमारा जो रूफ टाइल से फिट करके लगाना है। सबसे हार्ड प्रोसीजर स्टेप जो होता है यही होता है फर्स्ट स्टेप। ये होने के बाद ऊपर के टाइल्स जो है सिर्फ नीचे मटेरियल डाल के ऊपर फिक्स करना होता है, देखेंगे वो भी। खबर
टाइल्स को जो है लॉक होता है, यहाँ पे लॉक दिखाई दे रहा है, ये लॉक, ये जो लॉक होता है जो हमारे नीचे की टाइल्स होती है, टाइल्स के यहाँ तक लाके छोड़ना होता है। मतलब ये जो पुराना खापर है उसके ऊपर हम जब नया खापर बिठाते हैं तो यहाँ तक वहाँ पे दूसरे टाइल्स आना पड़ता है। इस तरह से रूफ टाइल्स फिटिंग की जाती है, बहुत आसान होता है।